वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आप लोगों का? ओके, कौन कौन आया है आज के लेक्चर को? प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. प्रमोदिनी सिंह, फाइन सर, ओके गुड. So, we were talking about volumetric analysis, ठीक है? And in the last lecture, we have started neutralization curve for weak acid and strong base. That we have started. We have seen titration curve for weak acid and strong base. For this weak acid and strong base, we have taken acetic acid as a weak acid because it is a weak electrolyte, and strong base we have taken NaOH because it is a strong electrolyte, and we have seen a neutralization curve for this titration. Then we have seen some characteristics features of this titration curve. Then we have seen the choice of indicator. Two suitable indicators are there, and out of that, one best indicator we have seen, that is phenolphthalein, you can use for this titration. And then we have seen the calculation of pH at various volume of NaOH added or at various time. ठीक है? So that we have seen. Today we will start or we will see the same point also, that is titration of calculation of pH at various points. ठीक है? So let us start today's lecture. Excuse me, sir, but we have lecture instrumental physics at 3 p.m. आप लोगों ने सर को बोला नहीं क्या? आई एम टेकिंग योर लेक्चर एट 2:30. जब से आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए तब से मैं 2:30 ले रहा हूँ आप लोगों के लेक्चर्स. सो टेल यूर दैट टीचर दैट यू आर नॉट फ्री. ओके, yes or no? सर को बोल दो कि सर वी हैव लेक्चर, केमिस्ट्री लेक्चर एट 2:30. ओके, नो प्रॉब्लम. कनिष के सेइंग यस, वी विल कन्वे हिम. ओके, नो प्रॉब्लम. सो वी विल स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉइंट्स व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है ना? तो कल क्या-क्या देखा था आप लोगों ने वो पहले हम एक बार देख लेते. सो कल हम लोगों ने देखा था, वी हैव सीन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड हमने लिया था, दैट इज 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस वी हैव टेकन, इट इज 0.1 नॉर्मल, एंड वी हैव सीन इट्स टाइट्रेशन कर्व. जो ऐसे कुछ टाइट्रेशन कर्व आती है ना आप लोगों के, यस है, वो हम लोगों ने कल देखे थे. ठीक है? देन द चॉइस ऑफ इंडिकेटर वी हैव सीन, टू देयर आर टू सुटेबल इंडिकेटर, बट द बेस्ट इंडिकेटर फॉर दिस टाइट्रेशन इज फेनोलेफ्थेलिन, दैट इज आल्सो वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन सम कैलकुलेशन ऑफ पीएच एट वेरियस स्टेजेस और एट वेरियस वॉल्यूम ऑफ एनएओएच एडेड. ये हम लोगों ने देखा था. टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, सॉरी टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच एट वेरियस स्टेजेस. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक देखा था ना. ठीक है ना? सो दिस टेबल गिव्स यू द पीएच वैल्यू ऑफ टाइट्रेशन ऑफ डिफरेंट एमएल ऑफ एनएओएच, एंड एग्जांपल वी हैव टेकन इज 0.1 नॉर्मल एनएओएच एंड 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड. तो कल हम लोगों ने देखा था एट द स्टार्ट ऑफ पीएच, दैट इज एट जीरो टाइम और जीरो एनएओएच वॉल्यूम, तो पीएच वी हैव गॉट 2.88. देन हम लोगों ने सेकंड पॉइंट देखा था pH at our pH when we add 7.5 ml 0.2 normal NaOH, then we have calculated is 4.93, and then pH at 10 volume at equivalence point at 26 ml of NaOH and 30 ml of NaOH, that we will calculate today. ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे टुडे लिखा है, तो टुडे वी विल कंप्लीट दिस टेबल.
ठीक है, ये जो वैल्यू आने वाले है ना 10 के इक्विवेलेंस पॉइंट के, 26, 30, दैट विल कैलकुलेट टुडे एंड वी विल कंप्लीट दिस टेबल टुडे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, यस और नो? सो आर यू गाइज रेडी टू कैलकुलेट द पीएच एट वेरियस स्टेजेस? यस और नो? ओके यस. ओके सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. गुड. ओके. ओंकार प्रिया रूपेश विधि प्राची. ठीक है चलो. आकांक्षा इज ऑल्सो देयर. चैतन्य पण आलाय. अरे वा, गुड, वेरी गुड. सो विल स्टार्ट विथ द पीएच आफ्टर 30 ml, सॉरी पीएच, द पीएच आफ्टर 10 ml ऑफ एडिशन ऑफ 0.1 नॉर्मल एनएच. सो इनिशियली वी हैव टेकन, व्हाट वी हैव टेकन इनिशियली, हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया है? सो आई विल राइट हियर. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया है? वी हैव टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हम लोगों ने लिया है 25 ml एसेटिक एसिड, ये हम लोगों ने लिया है. ठीक है, नाउ वी विल ऐड 10 ml of NaOH. We will add 10 ml of NaOH. Now, out of this 25 ml acetic acid, 10 ml will react with NaOH. So, how much amount of acetic acid will remain unreacted? That you have to tell me. ठीक है? इसके लिए आप मुझे बोलोगे कि कितना acetic acid अनरिएक्टेड रहेगा कॉनिकल फ्लास्क में, दैट यू हैव टू टेल मी. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वो हाउ टू कैलकुलेट दिस. तो यू पीपल टेल मी कितना एसिटिक एसिड यहाँ पे बाकी रह जाएगा, बिकॉज यू एडेड 10 ml ऑफ NaOH एंड यू हैव टेकन 25 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड एंड यू हैव एडेड 10 ml. सो हाउ मच अमाउंट? दीक्षित इज सेइंग करेक्ट. दीक्षित ने सही सही बोला है, 15 ml will be remain unreacted. ठीक है ना? So 15 ml of acetic acid will remain unreacted. Let us see here. At this point, what will happen? At this point, 25 minus 10, that is 15 ml acetic acid remain unreacted because we have taken 25 ml of acetic acid and we have added 10 ml of NaOH from the burette. We have added 10 ml of NaOH from the burette. And out of that 25 ml acetic acid, 10 ml will get react with NaOH. 10 ml will get react with NaOH and that 10 ml will get neutralized. So unreacted kitna reh jayega? That is 25 minus 10, 15 ml of acetic acid remains unreacted. And now what happens? Due to increase in volume, the normality of this acetic acid will get changed. Because of increase in volume, what happens? The normality of this acetic acid will get changed. So first जॉब इज टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ न्यू एसिटिक एसिड, जो कि हम लोगों ने 10 ml NaOH एडिशन के बाद बाकी रह गया, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो न्यू वॉल्यूम इज, न्यू वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25 ये हमने एसिटिक एसिड का लिया था, ये हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था एसिटिक एसिड एट द स्टार्ट एंड फ्रॉम ब्यूरेट वी हैव एडेड 10 ml ऑफ NaOH. फ्रॉम ब्यूरेट वी हैव एडेड 10 ml ऑफ NaOH. सो टोटल वॉल्यूम बिकम 35 and due to this increase in volume, the normality of acetic acid will get changed. That we have to find. ये same procedure हमने last lecture में भी किया था. ठीक है? So that we will find. How will you find that is for that normality? One formula is there. That formula is called as N1 V1 is equal to N2 V2. ये formula है. ये formula आप लोगों को याद रखना होगा. ठीक है? So how will you find out? Just put the value of N1 V1. So N1 we will write here 0.1 normal. Kitna baki hai? V1 volume. Volume baki hai, that is 15 ml. Now total volume kitna hua hum logo ka? 35 ml ho gaya hai. And the total volume is 35 and we don't know the normality of 35 ml acetic acid or 35 ml solution of acetic acid, and that normality we don't know. We have to find out that. So we will find out N2. So how will you find out N2? Just do the multiplication, you will get the N2. So we will get the N2 is 0.04286 normal. ये हम लोगों को new acetic acid की normality मिल जाएगी. ये हम, ठीक है, ये हम लोगों को मिल जाएगी normality of new acetic acid. That is, उसका volume कितना है? उसका volume is 35 ml.
35 ml वॉल्यूम की हम लोगों ने क्या की है, वी हैव फाइंड आउट द नॉर्मैलिटी, दैट इज 0.04 to 86, ये हम लोगों ने किए, ये नोट डाउन करके ले लो कहीं पे भी और नोट डाउन दिस वैल्यू, वी विल नीड दिस वैल्यू व्हाइल डूइंग द पीएच कैलकुलेशन, ठीक है, ओके. देन द नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी रिटन दिलो, ये रिएक्शन हम लोगों ने कल भी देखी थी, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और एसिटिक एसिड प्लस NaOH रिवर्सिबली गिव्स यू सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट. इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट एंड इट इज कॉल्ड एज वाटर, ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. नाउ व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इसकी नॉर्मल ये इक्विवेलेंस कितने है, इसके इक्विवेलेंस है 0.1 नॉर्मल इक्विवेलेंस हम लोगों ने लिए है, ठीक है ना. सॉरी इसके इक्विवेलेंस कितने लिए हम लोगों ने, 0.1 नॉर्मल नहीं है, इसके इक्विवेलेंस है 0.5 नॉर्मल, 0.05 नॉर्मल है और उसमें से फॉर एग्जांपल वाई ये फॉर्म हुआ है और वाई H2O फॉर्म हुआ है, ठीक है. सो आफ्टर द इसमें से इतना फॉर्म हुआ है, ठीक है. सो व्हाट विल एसिटिक एसिड कितना कितना बच जाएगा, तो 0.05 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है. लेट मी चेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर आई एम डूइंग करेक्ट और रॉन्ग, लेट मी चेक इट. ये कितना हो जाएगा, 0.05 है ये, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है. ये कितना लिया है हम लोगों ने, इसका नॉर्मलिटी कितना एसिटिक एसिड का, इट इज 0.1 नॉर्मल एंड फ्रॉम दिस 0.1 नॉर्मल फॉर एग्जांपल वाई विल गेट फॉर्म, सोडियम एसिटेट फॉर्म हो जाएगा वाई मोल एंड वाटर विल बी वाई मोल. सो कितना बच जाएगा यहाँ पे एसिटिक एसिड आफ्टर दिस रिएक्शन, सो 0.1 माइनस वाई एम एल बच जाएगा, ठीक है. दिस वी हैव टू प्लीज ये आप लोग ध्यान रखो कि पहले हम लोगों ने कितना लिया था, 0.1 लिया था ना उसका इक्विवेलेंस, ठीक है. चलो देन ठीक है चलो सो ओके ठीक है चलो सो 0.1 यहाँ पे ले लेता हूँ. कितना ऐड किया हम लोगों ने, कितना रिएक्ट हुआ है, 10 ml रिएक्ट हुआ है. ऐड कितना किया है हमने, ऐड कितना किया है, 10 ml ऐड किया है. सो कितना फॉर्म हो जाएगा ये, इट विल गेट फॉर्म 10 ml, ठीक है. एंड हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंस, 1 मिली इक्विवेलेंस फॉर्म हो जाएगा. कितना है, सो 0.1 × 10, सो इट विल कम एज ए 1 mEq. सो 1 mEq ऑफ सोडियम एसिटेट विल गेट फॉर्म आफ्टर दिस रिएक्शन, ठीक है. सो दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, हियर ऑल्सो 1 mEq, हियर ऑल्सो 1 mEq, ठीक है. सो दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट विल गेट फॉर्म आफ्टर दिस रिएक्शन. सो द मोलरिटी ऑफ सोडियम एसिटेट, दिस सोडियम एसिटेट यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है ना, उसकी मोलरिटी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग वन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज देयर. सो मोलरिटी ऑफ सोडियम एसिटेट फॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज सोडियम एसिडेट एम इज इक्वल टू, मोलरिटी हम लोगों को फाइंड करनी है, सोडियम एसिडेट एम इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. नाउ हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट विल गेट फॉर्म, 0.1 mmol तैयार हुआ है यहाँ पे. सो राइट 1 mmol डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, हाउ मच टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा अभी अभी यहाँ पे, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मच इज टोटल वॉल्यूम. हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया था, कितना एसिटिक एसिड हम लोगों ने लिया है, 25 ml एंड उसमें कितना NaOH डाला है, 10 ml डाला है. सो टोटल वॉल्यूम इज 25 + 10, सो 35, करेक्ट, ओमकार इज सेइंग करेक्ट. सो 35, सो
वन डिवाइडेड बाय 35 कितना आ रहा है? वन डिवाइडेड बाय 35, यस रुपेश कुमार इज ऑल्सो सेइंग 35, सो वन डिवाइडेड बाय 35 ये आ जाएगा आप लोगों का, एंड यू विल गेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम एसेटेट, दैट इज 0.0857 मोलर, दिस इज द मोलरिटी ऑफ, करेक्ट प्रमोदिनी ने सही बोला है, करेक्ट, वेरी गुड, सो दिस इज द मोलरिटी ऑफ सोडियम एसेटेट, ये आप लोगों को नोट डाउन करके रखो, राइट डाउन दिस वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑफ सोडियम एसेटेट फॉर्म, इट विल रिक्वायर फॉर यू पीपल, यस संतोष, संदेश, अजिंक्य, नाउ एवरीबॉडी इज सेइंग 0.0285, ठीक है, सो दिस इज द मोलरिटी ऑफ सोडियम एसेटेट फॉर्म, सो हाउ विल यू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोडियम एसेटेट फॉर्म, सो एम इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, सो मिलीमोल्स कितने फॉर्म हुए, 1 मिलीमोल्स फॉर्म हुए, टोटल वॉल्यूम इज 35, सो 1 डिवाइडेड बाय 35 यू विल गेट 0.0285, सो दिस इज द मोलरिटी, प्लीज नोट डाउन दिस मोलरिटी, ठीक है, ओके, देन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन और ड्यूरिंग द टाइट्रेशन बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट एसिड इज प्रेजेंट एंड सॉल्ट ऑफ दैट एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो ड्यूरिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले उसमें तुम्हारा एसिड भी है जो कि अनरिएक्टेड एसिड है, ये जो है ना वो अनरिएक्टेड एसिड है, एंड सॉल्ट जो है दैट इज सोडियम एसेटेट सॉल्ट फॉर्म हुआ है, सो बोथ आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, एसिड इज प्रेजेंट एज वेल एज सॉल्ट ऑफ दैट एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो इफ दिस कंडीशन इज देयर देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर, If this condition is there, then that solution is called as acidic buffer. इसको बोलते हैं अगर acid भी है unreacted and salt of that acid is also present in the solution, then it is called as acidic buffer. And according to the formula of acidic buffer, we can write. So this is the formula. We can write concentration of H plus ion is equal to Ka into acid divided by salt. So this is the formula of acidic buffer. And by using this formula, you can calculate the concentration of H plus ion. You can calculate the concentration of H plus ion. So here, what is the formula? Concentration of H plus ion is equal to Ka into acid divided by salt. अभी हम लोगों ने ये करके रखा है. So acid is what? Ka is given to you. Ka कितना है हम लोगों के पास? Ka is 1.75 into 10 raised to minus 5. ये last lecture में मैंने बोला है. Acid की जो हम लोगों ने calculate की है and salt की normality अभी हम लोगों ने calculate की है. So just do this calculation, you will get the concentration of H plus ions. Concentration of H plus ion is equal to this much. And once you know the concentration of H plus ions, you can calculate the pH, because pH is nothing but the negative log of H plus ion concentration. pH is nothing but the negative log of H plus ion concentration. So if you take the negative log of this species, you will get the pH. Kitna aa raha ho? So pH is kitna aa raha hai? pH is 4.581. Aa raha hai sab logo ka? pH is 4.581. What you have to do? You have to just take the negative log of this value. You have to, yes, correct. Anjin ke ne sahi bola hai. pH is equal to 4.581. So the pH after the addition of 10 ml sodium hydroxide, the pH of the solution will become 4.581. So this is the value of pH after the addition of 10 ml of 0.1 normal NaOH, correct. Nutan Parab ne bhi sahi bola hai. So first we have completed. First hum logon ne complete kiya hai, theek hai. So next kaun sa hai? Next is the pH at equivalence point. The pH at equivalence point. We will calculate the pH at equivalence point. Now what happens at equivalence point? At the equivalence point, all the acetic acid reacts with NaOH. This is your equivalence point. आपके डेफिनेशन में भी है, क्या है डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट, इफ द मिली इक्विवेलेंट्स आर इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड व्हेन इट एग्जैक्टली एडेड टू द और इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड व्हेन इट बिकम्स टू द मिली इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट, सो हियर एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑल द एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH एंड ओनली इन सोल्यूशन नाउ यू विल हैव ओनली सॉल्ट, सोल्यूशन में क्या होगा आप लोगों के पास अभी In the conical flask, you will only have the salt of acetic acid, that is sodium acetate. So, this sodium acetate is the only species which is present in the solution at the equivalence point. At the equivalence point, आपके पास और conical flask में सिर्फ sodium acetate ही present होगा, ठीक है? So,
दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन हम लोगों ने देखा है. सो दिस रिएक्शन इज प्रेजेंट एट द इक्विवेलेंस पॉइंट. यू विल ओनली हैव द सोडियम एसीटेट एट द इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, सो वी विल कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंस कितना है. कॉन्सेंट्रेशन मिली इक्विवेलेंस इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है एसिटिक एसिड का. वॉल्यूम हम लोगों ने लिया है 25 ml, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया है बाय यूजिंग द पिपेट. एंड फ्रॉम द ब्यूरेट यू हैव एडेड 25 ml बिकॉज आवर इक्विवेलेंट पॉइंट्स कम्स एट 25 ml वॉल्यूम ऑफ NaOH. जब आप लोग NaOH 25 ml ऐड करते हो ना, that point is called as equivalence point. So and concentration kitna NaOH ka 0.1. So 0.1 into volume you will get the milli equivalence. Here also concentration into volume you will get the milli equivalence. So how much sodium acetate is formed? So 25 sodium acetate will get formed. So 25 iska concentration kitna hoga 0.1, you will get the milli equivalence of the sodium acetate. So 25 into 0.1 you will get 2.5 millimoles of sodium acetate. So how much millimoles of sodium acetate are formed? That is 2.5 millimoles of sodium acetate will get formed. Okay, then so the molarity of sodium acetate can be calculated. So you can calculate the molarity of sodium acetate. के पास मिली इक्विवेलेंस है, मिलीमोल्स है. सो दैट बाय यूजिंग दैट मिलीमोल्स यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. हियर सोडियम एसीटेट इज प्रेजेंट, सो वी विल कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम एसीटेट. ठीक है, सो हाउ विल यू कैलकुलेट, वन फॉर्मूला इज देयर. सो मोलैरिटी ऑफ सोडियम एसीटेट एम इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट. एम इज इक्वल टू हियर मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ एम इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml. सो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट कितने हैं, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट कितने हैं, बोलो जल्दी से. हाउ मच मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट आर फॉर्म, कितने मिलीमोल्स सोडियम एसीटेट के फॉर्म हुए हैं. 2.5 मिलीमोल्स, वेरी गुड वेरी गुड. चलो सही आंसर है सब लोगों का 2.5 मिलीमोल्स. सो टोटल वॉल्यूम इन एम एल, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम इज हाउ मच. यस, प्रमोदिनी, अजिंक्य, सुमित, चैतन्य, अंजेश, अर्किति, करेक्ट, आप लोगों ने सही आंसर दिया है 25. एंड टोटल वॉल्यूम इज 50 ml, टोटल वॉल्यूम इज 50 ml. सो tell me the molarity now. Molarity m is equal to, molarity m is equal to 2.5 divided by 50. How much is this? 2.5 divided by 50. How much is this? It is 0.05 molar. So molarity of sodium acetate form is this much, 0.0 molar. ठीक है, molarity is 0.0 molar. ठीक है, very good. So in this way you can calculate the molarity of sodium acetate form. Okay, okay. Then we will go to the next point. Next point is the salt. ये जो salt तैयार हुआ है ना sodium acetate, it undergo hydrolysis process. If water is present in your conical flask, then hydrolysis reaction will take place. So this salt, which is a salt of weak acid and strong base, undergoes hydrolysis in presence of water. So how it will undergo hydrolysis, what is the reaction, see the reaction, reactions aapke screen pe hai, reaction aapke screen pe hai. See the reactions of hydrolysis of sodium acetate. So this is the sodium acetate. Ye kya hai, this is the sodium acetate in presence of water or in presence of H2O, it will undergo process called as a hydrolysis. So sodium acetate plus water irreversibly gives you acetic acid plus OH minus ions, acetic acid plus hydroxide ion. So this is the basic hydrolysis of sodium acetate. This is the basic hydrolysis of sodium acetate. So reaction is sodium acetate plus water reversibly gives you acetic acid and hydroxide ion. ठीक है, सो नाउ हियर वी हैव फाइंड आउट. नाउ इन दिस केस हम लोगों ने इसकी मोलरिटी फाइंड आउट की है. सोडियम एसीटेट की मोलरिटी कितनी थी यहाँ पे स्टार्टिंग की, बोलो जल्दी से. मोलरिटी ऑफ सोडियम एसीटेट
कितनी थी? वी हैव कैलकुलेटेड इट जस्ट नाउ, वी हैव कैलकुलेटेड। टेल मी द वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑफ सोडियम एसिटेट, हाउ मच इज दिस? अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना? यस करेक्ट, 0.05। सो स्टार्टिंग सोडियम एसिटेट कितना था? उसकी मोलरिटी थी 0.05। एंड नाउ हियर यू हैव टू टेक द दिस वैल्यू 0.05। पहले हम लोगों को नहीं लेनी थी, यहाँ पे लेनी है, ठीक है? एंड फॉर एग्जाम्पल द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म एट दिस पॉइंट इट इज y मोल्स, एंड बेस के और OH- आयंस के कितने y मोल्स है, ठीक है? अगर y मोल इसमें से फॉर्म हुए है, हाइड्रोक्साइड भी इसमें से फॉर्म हुए है, तो ये कितना बच जाएगा? सो 0.05 माइनस y, ये बच जाएगा इसमें से, ठीक है? सो ये रहेगी तुम्हारी अनरिएक्टिव वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है? देन वी हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और KH फॉर दिस रिएक्शन। KH इज व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो हियर एसिटिक एसिड एंड OH माइनस आयंस दे आर प्रोडक्ट एंड सोडियम एसिटेट इज रिएक्टेंट। सो वी हैव अप्लाइड द इक्विलिब्रियम लॉ थ्रू दिस इक्वेशन। नाउ द वैल्यू ऑफ सोडियम एसिटेट कितना फॉर्म हुआ है? Y, दिस इज इक्वल्स टू Y एंड OH माइनस इज इक्वल्स टू Y एंड ये कितना है? दिस इज 0.05 माइनस Y। पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये आप लोगों को हो जाएगा। देन नाउ हियर Y इज वेरी वेरी स्मॉल, सो 0.05 माइनस Y इज नियरली becomes equals to 0.05 and y into y becomes y square. So KH is equal to y square divided by 0.05. ये तैयार हो जाएगा। KH is equal to I will write here, KH is equal to y square और इसका वैल्यू कितना रह जाएगा? हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये कितना हो जाएगा? 0.05. So y square is divided by 0.05, ठीक है? Now if you know the value of KH, अगर आप लोगों को KH की वैल्यू पता है और आप लोगों के पास KH की वैल्यू है, देन यू कैन कैलकुलेट द y स्क्वायर। y इज व्हाट? y इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, एंड वंस यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यू कैन कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। यू कैन कैलकुलेट द pH, यू कैन कैलकुलेट pOH, एंड बाय यूजिंग दैट pOH यू कैन कैलकुलेट द pH। सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH। KH की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है? आप लोगों को वो कैलकुलेट करने है। सो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH, देयर आर सम फॉर्मूलेस, ठीक है? ये फॉर्मूला है, KH इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KA। KH इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KA, और KW क्या होता है? KW एट 25 डिग्री, KW एट 25 डिग्री इज 1 × 10⁻¹⁴, एंड KA की वैल्यू आप लोगों को पता है, 1 × 75 × 10⁻⁵. सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ KA एंड KW इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द KH। पुट द वैल्यू ऑफ KW एंड KA इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ KH, ठीक है? सो KW इज 1 × 10⁻¹⁴ एट 25 एंड KA इज इक्वल टू 1.75 × 10⁻⁵. सो जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, यू विल गेट द KA। क्या है वैल्यू ऑफ KH? किसने कैलकुलेट किया है? टेल मी द वैल्यू ऑफ KH, 1 × 10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय 1.75 × 10⁻⁵, कितना आ रहा है ये? टेल मी, ये आ जाएगा आपका 5.714 × 10⁻¹⁰। अभी आप लोगों को KH पता चल गया, KH पता चल गया। नाउ वी हैव द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास है, करेक्ट? पुट द वैल्यू ऑफ KH हियर, put the value of KH here, you will get the value of y square, and from that y square you can calculate the y, and y is equal to concentration of OH minus ions, ठीक है? So कितना आ रहा है वो? ये value put करो, कितनी value है? 5.714 × 10⁻⁴ y square divided by
0.05, 0.05 यहाँ पे डिवाइडेड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यू यू विल गेट द वाई स्क्वायर एंड फ्रॉम वाई स्क्वायर यू कैन कैलकुलेट द वाई एंड वाई इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आइन। वाई इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आइन। वॉट इज द वैल्यू? 1.313 × 10⁻³। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ एच माइनस आइन। ठीक है, ओ एच माइनस आइन की वैल्यू मिल गई है। सो POH is, what is POH? POH is nothing but negative log of OH minus ion concentration. POH is nothing but the negative log of OH minus ion concentration. So just take the negative log of this value, you will get the POH. You will get POH. And from the POH, you can calculate the pH, because you know that pH plus POH is equal to 14. I will write here at the top, POH प्लस पी एच इज इक्वल टू 14। हम लोगों ने पी एच की वैल्यू निकाल ली है। पी एच की वैल्यू कितनी आ रही है? पी एच पी ओ एच की वैल्यू है 5.272। सो पुट द वैल्यू ऑफ पी ओ एच इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द पी एच, यू विल गेट द पी एच, यू विल गेट द पी एच। कितना आ रहा है पी एच? पी एच इज 8.728। पी एच इज 8.728। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द पी एच एट 10 ml, pH at 10 ml। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? इफ यस देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देन pH आफ्टर 26 ml एडिशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH, pH आफ्टर 26 ml एडिशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, संदेश, चैतन्य, गणेश, नूतन, रुपेश कुमार, अजिंक्य, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो वी विल कैलकुलेट, वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ 26 ml 0.1 मोलर NaOH, आफ्टर द एडिशन ऑफ 26 ml 0.1 मोलर NaOH। सो एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ योर सोल्यूशन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। मीन्स आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। और इक्विवेलेंस पॉइंट आपको कब मिल जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट यू विल गेट व्हेन यू विल ऐड 25 ml NaOH। 25 ml NaOH एडिशन के बाद में आप लोगों को इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाता है। एंड आप लोगों ने यहाँ पे कितना ऐड किया अभी? 26। मीन्स दिस इज द सिचुएशन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। This is the situation after the equivalence point. अब तक के आप लोगों ने देखी है बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट के सिचुएशन थे। ठीक है, सो हियर द पीएच आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। सो एट दिस स्टेज व्हाट विल हैपन? एट दिस स्टेज आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑल एसिटिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट मीन्स ऑल, जो कुछ भी आपका एसिटिक एसिड था, हम लोगों ने लिया था 25 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड, दैट ऑल एसिटिक एसिड हैज गॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय 25 ml NaOH। एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH विल रिमेन अनरिएक्टेड नाउ? कितना ml? 1 ml का, बिकॉज हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, हम लोगों ने लिया था 25 ml एसिटिक एसिड और 25 ml हम लोगों ने उसमें क्या डाला? NaOH डाला। सो 25 एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हम लोगों ने कितना डाला? 26 डाला है। सो हाउ मच NaOH रिमेन्स अनरिएक्टेड? 1 ml रिमेन्स अनरिएक्टेड। 1 ml कितना क्या हुआ है? अनरिएक्टेड हुआ है। नाउ यहाँ पे 1 ml NaOH है। नाउ योर सॉल्यूशन कंटेन्स NaOH, your solution contains NaOH, that means there is excess of OH minus ions is present. That means there excess of OH minus ions is present. So you will calculate how much amount of, or how, what is the concentration of OH minus ions in the solutions after the equivalence point, that we will calculate. ठीक है, that we will calculate. तो कितना है? The formula है आप लोगों के पास, concentration of OH minus ions is equal to millimoles of OH minus ions divided by total volume, millimoles of OH minus ions divided by total volume. So millimoles कितना है? Millimoles is what? Concentration into volume. Concentration है हम लोगों का 0.1, volume है 1 ml. So 0.1 multiplied by 1, this is the millimoles of
OH माइनस आयंस, दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस आयंस, एंड टोटल वॉल्यूम कितना है, एसिटिक एसिड हम लोगों ने लिया था एट द स्टार्टिंग 25 और उसमें 26 NaOH डाला है, सो टोटल वॉल्यूम विल बिकम 51, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 51, टेल मी द वैल्यू, कितना आ रहा है ये वैल्यू बोलो मुझे, 0.1 डिवाइडेड बाय 51, करेक्ट सुमित, 1.96 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, नहीं एक बार फिर से चेक करो, ये आ जाएगा जीरो, हाँ करेक्ट, ये आ जाएगा 0.000196, ठीक है, ओके गुड। देन अभी यू पीपल नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयंस, यू पीपल नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयंस, एंड इफ यू नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयंस यू कैन कैलकुलेट द पी ओ एच, जस्ट टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस यू विल गेट द पी ओ एच, टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ दिस यू विल गेट द पी ओ एच, पी ओ एच कितना आ रहा है 2.707, एंड वंस यू नो द पी ओ एच जस्ट पुट दिस वैल्यू, पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस POH, POH हम लोगों का इतना है, सो pH कितना जाएगा 11.292, pH कितना जाएगा 11.292, ठीक है, yes or no, let me calculate that value first, 0.1 divided by 1, correct, very good, ठीक है गुड, सो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 11.292, पीएच आ जाएगा 11.292, सो दिस इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस आफ्टर द एडिशन ऑफ 26 ml NaOH, देन नेक्स्ट वी विल सी द पीएच आफ्टर द एडिशन ऑफ 30 ml 0.1 मोलर NaOH, दिस वी विल कैलकुलेट, सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज, After the equivalence point, now here, after the equivalence point, acetic acid is neutralized and only 5 ml 0.1 normal NaOH remains unreacted. Now, हम लोगों ने acetic acid लिया था, acetic acid हम लोगों ने लिया है 25 और उसमें NaOH कितना डाला है, NaOH we have added here 30 ml. So, 25 तो neutralize हो जाएगा, so how much will remain unreacted? 5 ml NaOH remains unreacted, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 ml NaOH 0.1 normal NaOH will remains unreacted, so same formula apply करो यहाँ पे, use the same formula means which formula, concentration of OH minus ions is equal to millimoles of OH minus ions divided by total volume in ml, so millimoles of OH कितने है, millimoles of OH is 0.1 multiplied by 5, so 0.1 multiplied by 5 कितना आ जाएगा, 0.1 multiplied by 5 divided by total volume, total volume कितना आ जाएगा 30 plus 25 55 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा इसका value, value will concentration of OH minus is 0.0909, so you know the concentration of OH minus ions, you can find out the POH because POH is nothing but the negative log of OH minus ions concentration. So POH आ जाएगा 2.044, so pH is there, pH is equal to 14 minus POH, so just put the value of POH here, you will get the pH and that pH is 11.959, pH is 11.959. pH is 11.959. So you in this way you have to calculate the pH after the different addition of or different volume of NaOH added. Okay. Now come to that table. Come to the table. Here हम लोगों ने 0. में ये किया था कल, ये भी कल किया था, ये हम लोगों ने आज calculate किया है. So pH of the solutions after the addition of 10 ml of NaOH. It will be 4.581. At equivalence point pH कितना होगा? 8.7. 8.7 means at the equivalence point your pH is basic. At the equivalence point your pH is basic. At the equivalence point your pH is basic. After 26 में कितना हो जाएगा? 11.292 हो जाएगा. And after 30 ml addition हो जाएगा 11.9
9, 5, 9. So we have completed the table today. ठीक है, we have seen the calculation of pH at different volume of NaOH added. ठीक है, so I think today we will stop here. In the next lecture we will start the neutralization curve for different maybe we will take weak acid and strong base, or weak base strong acid. We will take weak base and strong acid. So I think today we will stop here only. Okay, you have that lecture also, so you can attend that lecture also. Okay, so we'll stop here. You can give the attendance also. I will active the link. Okay, मैं लिंक ही आप लोगों को एक्टिव करके दे रहा हूँ. तो यू पीपल गिव द अटेंडेंस एंड यू कैन अटेंड योर फिजिक्स लेक्चर आल्सो. बट नेक्स्ट टाइम याद में रखो कि नेक्स्ट टाइम सर को बोल दो कि सर हम लोगों का केमिस्ट्री का लेक्चर रहता है, केमिस्ट्री के टाइम पे फिजिक्स का लेक्चर मत रखो. ठीक है, ठीक है ना. Okay, so link is active for you people. Just check the Google Classroom. ठीक है, one more important instructions. Today there will be no lecture. Today I have supervision. So sorry, tomorrow there will be no lecture. Tomorrow I have supervision, so I will not conduct the lecture. Tomorrow. I have supervision. कल मुझे supervision है, इसलिए कल chemistry का lecture नहीं है. ठीक है, so you people ठीक है, so I will stop here. Take care. Bye bye.